हुए थे। अभी यहाँ पे हो रहे हैं शाम के 5:30 नहीं 5:40, और अंधेरा हो गया है बाहर, बहुत ठंड है। लाइन में खड़ी है बर्फ से पूरी ढकी हुई। रात के बज रहे हैं 6 और हम लोग आए हुए हैं अभी यहाँ पे साउथ कोरिया में। क्रिसमस मार्केट है बट बहुत ज़्यादा ठंड है। हम कैप भी नहीं लेके आए हैं क्योंकि आज सुबह सुबह हुई है स्नो फॉलिंग, तो चारों तरफ बर्फ बर्फ है और रोड भी स्लिपरी हो गया है, तो बहुत संभाल के चलना पड़ रहा है। देखो अथर सिंह जा रहे हैं और इधर है मार्केट, ये फर्स्ट ओशन क्रिसमस मार्केट, और इधर है कोरियन फूड वगैरह, क्योंकि हम लोग तो नहीं खा सकते, सब नॉन वेज ही होगा, बीफ वगैरह पोर्क वगैरह, बट इनके लिए अच्छा है कि रात में घूमो और खाओ। और ये देखो साइड में बर्फ पूरा है। और ये रही रोड्स, रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है जब स्नो फॉलिंग होती है, तो नहीं होता बट जब हम चलते जाते हैं ना, तो स्लिपरी हो जाता है बहुत ज़्यादा। और ये रहा इनका मार्केट। फिर बाबू आपके लिए कुछ नहीं मिलेगा, देखो कुछ ब्रेज हो तो थर को कच्चे दिलवा दो, बस तो यहाँ कुछ नहीं मिलता। और इधर है, आपको पूरा दिखाते हैं मार्केट, ये अच्छा जहाँ भी आते हैं जिद करते हैं खाने के लिए, बट हम लोग कुछ दिलवा नहीं सकते क्योंकि कुछ ब्रेज नहीं मिलता है। ये गुड्डू है पूरा ऊपर से नीचे पैक है, सिर्फ फेस ही दिख रहा है। और ये देखो जो ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है, वो हवा इतनी चल रही है नीचे गिर रही है। ये देखो भाई ठंड, हम लोग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती, सारे बच्चे खा रहे होते हैं और अतर सिंह भी जिद करते हैं और हम लोग खिला नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। ये देखो लाइन लगी हुई है। हाँ टिकट, ये रही मार्केट। और ये रहा मेन अट्रैक्शन क्रिसमस ट्री, जिसमें कि इसको फॉलिंग हुई है आज, तो बर्फ भी गिर गई है पूरा। बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बहुत ज्यादा। गुड्डू हमारा भैया फोटो दे रहा पोज, हवा बहुत चल रही है, बर्फ गिर रही है। ये देखो कितना ब्यूटीफुल है, जाओ जाओ हमारी जान जा रहे पोज देने भाई, हमारी जान पोज देने। अदर पोज टाइम, भैया ले लो उधर से जा रहे हैं पोज देने। ये नो मैन, हां दीदी पोज दे, हां सॉरी सॉरी। यहां पे जो डॉग्स कैसे कह रही हैं, वो जैकेट के अंदर डालिए। ये भगवान फिर से लाइन लगी है के लिए, इधर इतनी ठंड है उसके बाद भी। ये कितना क्यूट लग रहा है, अच्छा जैकेट के अंदर डॉग डालेंगे, इतना क्यूट लग रहा है मुझे, तो इतना क्यूट लग रहा है मैं क्या बताऊं। क्रिसमस ट्री, वाह ये लल्ली, लल्ली तो दिख ही नहीं रहे हैं, लल्ली तो दिख ही नहीं रहे हैं। पास से दिखाते हैं, पूरा बड़ा गिरी हुई है। संता जाओ वहाँ दे दो, खड़े होके देखो ये हो। और इधर रही ट्रेन राइड हमारी भैया, ये रही ट्रेन यहाँ की, बट चल नहीं रही है क्योंकि रात हो गई तो बंद है और पटरियों पे बर्फ वगैरह बिछी। और इधर आप शॉपिंग भी कर सकते हो। और ये रहा गेट, एंट्रेंस गेट, अतर सिंह उधर जा रहे हैं क्रिसमस मार्केट। देखो नीचे पूरा बर्फ मेल्ट हो गई, तो बहुत बच के चलना है, नहीं तो चोट भी लग सकती है। बहुत ठंड है गुड्डू, डेकोरेट कितने अच्छे से किए हैं पूरा रोड के साथ, और साइड साइड में है शॉप्स, और ऐसे आप वॉक कर सकते हो दूर तक। ये देखो है फोटो स्टूडियो, बहुत दूर तक है बट हम लोग। ए गुड्डू चलो चलो, ये
कितना ब्यूटीफुल रोड लग रहा है। बट हम लोग ज़्यादा नहीं घूम रहे हैं, मतलब हम लोग को आए आधे घंटे भी नहीं हुए हैं। अच्छा सिंह को जाना है घर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जा रहे हैं घर। बहुत ज़्यादा ठंड है ना यहाँ पे, दौड़ते हुए जाए रेड लाइट, नहीं तो हो जाए ये रहा मार्केट। पूरा बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेट किए हैं, ये देखो, देखो शॉपिंग कर सकते हो, ग्लव्स वगैरह हैंडमेड है, और इधर है टैडी वगैरह। देखो ये कोरियंस वगैरह फोटो ले रहे हैं, बहुत भीड़ है, बर्फ से कवर है, ठंड आ गया, ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई है, ये लोग कुछ ना कुछ खा रहे हैं गरम गरम, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे तो भाई। बाबू जी हाँ जाओ बिलिंग करवा लो, कितना अच्छा है। एक बाबू हम लोग आए छत्र सिंह को केक पे केक अपनी, हाँ आंटी बिलिंग करेंगी अभी।